ऋतिक रोशन इन दिनों क्रिश 4 को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। अब तक कई बार इस फिल्म को लेकर खबरें आ चुकी हैं। इस बीच फिल्म पर एक नया अपडेट सामने आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अग्निपथ और शमशेरा जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके करण मल्होत्रा को इस फिल्म की बागडोर दे दी गई है। दावों की माने तो अब राकेश रोशन की जगह करण इस फिल्म का निर्देशन करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार पिता पुत्र की जोड़ी ने कथित तौर पर इस फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने के लिए करण को निर्देशक के रूप में चुना है, क्योंकि उनका मानना है कि वह एक विश्व स्तरीय प्रोडक्ट दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि राकेश ने इस फिल्म का बेसिक प्लॉट तय कर लिया है और अब वह करण के साथ इसके विजुअल्स पर काम करने की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ऋतिक की फाइटर के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद भी बतौर निर्माता इस प्रोजेक्ट से जुड़ गए हैं। फिल्म फिलहाल अपने स्क्रिप्टिंग चरण में है, लेकिन टीम प्री प्रोडक्शन शुरू करने के लिए काफी उत्सुक है। जानकारी के अनुसार यह फिल्म अगले साल शुरू हो सकती है। इससे पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि वॉर 2 का काम पूरा करने के बाद आर्थिक क्रिश 4 की शूटिंग शुरू करेंगे। बता दें कि अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनने जा रही इस फिल्म के इसी साल फ्लोर पर जाने की उम्मीद है। वर्क फ्रंट की बात करें तो आर्थिक अपनी फिल्म फाइटर की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें वह पहली बार दीपिका पादुकोण के साथ नजर आएंगे। फिल्म में अनिल कपूर और करण सिंह ग्रोवर भी हैं। इसका निर्देशन बैंग बैंग, वॉर और पठान जैसी सुपरहिट फिल्म बना चुके सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। ये अपडेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे नए अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।